चलो क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, निकालना है एच एफ का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्लियर, एच एफ का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, निकालो जल्दी से। सर जो इनकी स्टैंडर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, वही कंसीडर करनी है ना। हाँ चलो निकाल लिया सबने, वेदांत कैसे किया है? सही सर नहीं है ये, फॉर्मूला देख पाया था आपने, 16 × XA − XB + 3.5 XA − XB² हाँ, प्लस 3.5 × XA − XB का होल स्क्वायर। किस साइंटिस्ट ने दिया था फॉर्मूला ये? सर, शायद अल्फ्रेड रोशो स्केल का ये सर नहीं, ग्यालिस ने दिया था। हैने एंड स्मिथ इक्वेशन। परसेंटेज यानी करेक्टर, सर आंसर परसेंटेज यानी करेक्टर किंतु 16 × XA − XB, 16 × XA − XB, 4 फ्लोरिन का तो H का 2.1, यानी कितना लेंगे 1.9 प्लस 3.5 × 1.9 का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? ये ऐसे क्या है विधान? यस सर, तो कितना आया? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल अर्णव। 43% आया। हाँ 43%। सर दिया किसने था, एक बार नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये मैंने लिखवाया होगा, हैने एंड स्मिथ इक्वेशन। फोर्टी थ्री परसेंट के आसपास आएगा ये, 43%। और ये उज्जवल, इतना तो दिमाग में रखना जरूर कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 के आसपास है, इसमें तो 2.1 था वैसे, 1.9 के आसपास है, तो 50% के आसपास आंसर आएगा। समझ आई बात कि नहीं है? यस सर, तो इस चीज को गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है सर इसका मतलब बाकी 57% कोवेलेंट है ये कंपाउंड। हाँ कोवेलेंट मानेंगे इसको कंपाउंड। यस सर, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे, सर वो फजान जैसे ये रूल की ले। वजह से ये आयनिक है, मतलब हाँ ऑलमोस्ट फजान आधा तो आयनिक आगे अभी आधा आएगा। कोवेलेंट। हाँ AlF3 आयनिक होता है, AlCl3 कोवेलेंट होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे आगे, वो करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अभी जो बताया, जो जितना बताया उतना ही करना है। अच्छा अब न्यूमेरिकल लिखना है, एक और ध्यान से नोट करके लिखना। एन नॉट एटम गिवन है एस एक्स के, एन नॉट एटम्स ऑफ एक्स आर गिवन, एन नॉट एटम्स ऑफ एक्स आर गिवन, हाफ ऑफ विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इट्स वन इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अदर हाफ। हाफ ऑफ एक्स ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर हाफ। एनर्जी रिक्वायर्ड इज 400 किलो जूल। फॉर दिस प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड इज 400 किलो जूल। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? चलो इफ एक्स प्लस आर अगेन कन्वर्टेड टू एक्स माइनस, इफ एक्स प्लस फॉर्म्ड आर कन्वर्टेड बैक टू एक्स माइनस, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 700 किलो जूल।
एनर्जी रिक्वायर्ड इज 700 किलो जूल. तो मैं निकालना है एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी और आयनेशन एनर्जी क्या होगी. कैलकुलेट आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे फिर करेंगे क्वेश्चन. मुकुल? हाँ सर. मुकुल एक एक काम कर तू ना, वो ये क्या नाम है, आदित्य से, आदित्य से, आदित्य आदित्य चल मुकुल तू ना आदित्य से बात कर लियो, इससे नंबर है तेरे पास इसका? हाँ सर. सर वैसे अभी मेरा खुद नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा सर लग गया था रोड में. सुना दियो लेकिन इसको ये करता है नहीं ना काम, कुछ भी आदत कर नहीं रहा काम भी. जब इसका पूरा चैप्टर हो जाएगा तो मेरे को बता दियो, मेरे को ये कॉल करेगा और सुना देगा. ठीक 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 है सर. रिस्पॉन्ड नहीं करता बिल्कुल भी. अभी बोल रहा, पता नहीं इसका माइक ऑन नहीं होता, क्या दिक्कत है, बोलता ही नहीं बिल्कुल. सर
सर आंसर कौन सी यूनिट में निकालना है? किसी भी निकाल दे वेदांत, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी या किलो जूल में भी, कर लिया ट्राई क्या वेदांत? ये सर क्योंकि किलो जूल में तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा ना माइनस वगैरह, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सर हो गया। क्या निकला आंसर सर? आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है 11.8 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है 3.3। चलो हाँ होना चाहिए इतना ही लगभग। अब एक बार देखेंगे, देखो मान लिया मैंने x से x प्लस बनाया, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 400 किलो जूल। अगर एक x से एक x प्लस बन रहा है तो एनर्जी चाहिए 400 किलो जूल। अब हमने x प्लस से दोबारा क्या बनाया? x माइनस। तो x प्लस से x माइनस बनाना है तो दो स्टेप में बनाना, पहले x बनाना फिर x माइनस। x प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x आएगा और x प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x माइनस आएगा, ये आएगा, ये आएगा कि नहीं? और जब इसने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो x प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x माइनस बनेगा। इस पूरे प्रोसेस के लिए 400 किलो जूल एनर्जी चाहिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और इधर पूरे प्रोसेस के लिए 700 किलो जूल एनर्जी चाहिए। एक एक्स एटम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया दूसरे एक्स को तो एनर्जी चाहिए कितनी? 400 किलो जूल। और जब ये एक्स माइनस दोबारा कन्वर्ट हो गया इसमें एक्स प्लस में तो एनर्जी चाहिए 700 किलो जूल। तो तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन आयन एनर्जी क्या होगी एक्स की। वेदांत यही कंसेप्ट लगाया? ये सर ऐसे ही कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आने चलती, मान ली मैंने एक एटम की ए, तो इसकी इलेक्ट्रोफिटी हो गई बी, बी हो गई, तो इसने हमने किया क्या एन नॉट बाय टू एटम्स के साथ, एन नॉट एटम्स थे एक्स के, आधे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, यानी पहली क्वेश्चन जो बनेगी वो बनेगी ए एन नॉट बाय टू प्लस बी एन नॉट बाय टू, दिस इज इक्वल टू 400। ए एन नॉट बाई टू प्लस बी एन नॉट बाई टू जीरो 400, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा केस है, दूसरा केस अगर तुम चेक करोगे, हाँ सही है अर्णव, दूसरा केस जब तुम चेक करोगे तो उसमें हमें दिख रहा है कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है इसके जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा ये? इसके जस्ट ऑपोजिट तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए, और ये वाला स्टेप सेम है किसकी तरह? B वाले की तरह। तो B माइनस ए यानी माइनस ए एन नॉट बाय टू प्लस बी एन नॉट बाय टू, दिस इज इक्वल टू 700, यही है कि नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं है वेदांत? यही क्वेश्चन बनी है, कुछ और बनी है क्वेश्चन? सर मेरा साइन का उल्टा हुआ था, मेरे पहले में माइनस भी आया था। हाँ एक ही बात है, वो एक ही बात है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से तुम निकालोगे आंसर ए और बी की वैल्यूज, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? यस सर, ये हो जाना चाहिए। अगर देखो किसी को नहीं समझ आया तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ इसी का। मान लो टू एटम्स है, टू एटम्स है से एक्स के, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम को, उस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए सपोज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो एक्स माइनस बना वो दोबारा कन्वर्ट हो गया अगर एक्स प्लस में, तब एनर्जी चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब एनर्जी कितनी चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम्हें बताना है एक्स की आयन एनर्जी क्या है और एक्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अब ये समझ आ जाएगा तुम्हें, सेम क्वेश्चन था पीछे वाला बस उसमें एटम्स ज्यादा थे। निकालो जल्दी आंसर क्या आएगा। सर मैंने अलग तरीके से किया है,
कर लिया तुमने क्या सर? मुझे एक डाउट है, गर्भ को क्या? यस सर। हाँ गर्भ बोल। सर मैंने इसको ऐसे कराया है, n नॉट बाय 2 इनटू ie ऑफ x प्लस ea ऑफ x इज इक्वल टू 400। सही ब्रैकेट में है ना? यस सर। n नॉट बाय 2 ब्रैकेट में है ना? यस सर। हाँ सही है। हाँ फिर सर n नॉट बाय 2 इनटू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस इज इक्वल टू 700। हाँ फिर सर साइन चेंज करना है। नहीं साइन चेंज करा है एक में कि नहीं सेकंड इक्वेशन में? सर इसमें साइन का भी चेंज होगा, साइन नीचे देखना। अच्छा एक क्वेश्चन देख ले फिर अपना फोन आ जाएगा। वेदांत इसका आंसर निकाल लिया सर? 5 और 1 आ रहा है क्या? 5 और 1 देखते हैं इधर। देखो x का एक एटम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है और ट्रांसफर कर देता है दूसरे x को, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया दूसरे x। इस प्रोसेस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मान लिया आयनाइजेशन एनर्जी a है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी b है, तो a प्लस b इज इक्वल टू दे रखा है इधर 4। अब उसके बाद x माइनस जो बना है इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू x प्लस, तो x माइनस गिव्स x प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये हो गया जस्ट इसके ऑपोजिट यानी माइनस b, और x इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और x प्लस बन जाता है, और ये वैल्यू दे रखी है a, ये वैल्यू दे रखी है a। तो ये अब आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 4 आया, और माइनस b प्लस a इज इक्वल टू आएगा 6। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 4 है, माइनस b प्लस a इज इक्वल टू 6 है, तो दोनों को सॉल्व करके यही किया विधान? यस सर यही करा है। तो इससे क्या आ रहा है आंसर? सर a 5 आ रहा है और b 1 आ रहा है। a 5 और b 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गर्व तेरे को समझ आ गया आपके? नहीं yes, गर्व सर ये सेकंड वाली क्वेश्चन समझ में नहीं आई। सेकंड वाली क्वेश्चन देखना, x माइनस जो बना है, x माइनस जो बना है वो दोबारा कन्वर्ट हो गया किसमें? x प्लस में। तो x माइनस से x बनाया पहले, फिर x से x प्लस बनाया, यही तो होगी दो क्वेश्चन। x माइनस को जब x प्लस में कन्वर्ट करना है तो x माइनस से जो x बन रहा है ये क्वेश्चन सिमिलर किसके है? इसके, इसके जस्ट रिवर्स है कि नहीं? यस सर। तो इसके माइनस बी को मैंने माइनस बी लिख दिया। ओके सर अभी समझ आ गया क्वेश्चन? नहीं है सबको? यस सर। और पीछे पीछे n नॉट बाय 2 एटम्स थे, इसलिए पूरी क्वेश्चन को n नॉट बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है इधर, और ऐसे इधर भी n नॉट बाय 2 से। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसका, पीरियोडिक ऑर्बिट खत्म हो जाएगा चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन है ये, तुम्हें बताना है कि कौन सा प्रोसेस, ये हालांकि क्वेश्चन होंगे, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ये क्वेश्चन किए हैं कि नहीं? कर रहा है सर। पर वेदांत यस सर, ये क्वेश्चन थे कि नहीं उसमें? यस सर ऐसे तो बहुत। हाँ थे ना, फिर बस 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा इसमें, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना। चलो ये निकाला तुम्हें, तुम्हें सिर्फ ये बताना है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ये बताना है बस।
निकालिए आंसर। फर्स्ट क्या होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? फर्स्ट पार्ट एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? सर एक्सोथर्मिक। फर्स्ट पार्ट होगा हाईली एक्सोथर्मिक। रीजन, क्योंकि किसी भी नेगेटिव आयन में अगर इलेक्ट्रॉन, कोई भी नेगेटिव आयन है, ओ माइनस ही ले लो, कोई भी नेगेटिव आयन, उसमें अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसमें और इसमें रिपल्शन होगी, ओ टू माइनस बनेगा तो रिपल्शन होगी इनमें, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसके उल्टे प्रोसेस में क्या होगा, ओ टू माइनस से ओ माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन किया, उल्टा प्रोसेस। जब ये प्रोसेस एंडो है तो ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा एक्सो? नहीं समझ आई बात? नेक्स्ट वाला पार्ट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट वाला पार्ट एंडोथर्मिक? गर्भ मेरा एक्सो आ रहा है। एक सर एक्सो होगा, एक्सो होगा, क्योंकि एन में इलेक्ट्रॉन डाला तो ये होता है एंडोथर्मिक। याद आ गया कि एन हाफ फिल्ड था? यस सर, एन हाफ फिल्ड था, नीचे आने पर एक्सो होता है, ये एंडोथर्मिक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक। आगे समझ के नहीं है, ऊपर भी एक्सोथर्मिक है नीचे भी एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट वाला स्टेप सर हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक, देखो सर, नेक्स्ट वाले स्टेप में एनए माइनस से एनए प्लस बनाया, एनए माइनस से पहले एनए बना, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक, एक मिनट देखते हैं बस, एनए से एनए प्लस बनाया तो इसमें भी हीट चाहिए होगी। उल्टा प्रोसेस अगर होता एनए से, इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा एक्सो, तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस क्या हो गया एंडो, इसका ये तो है ही आयन एनर्जी तो ये एंडो होगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा एंडोथर्मिक। लोग गलत बोल रहे, टेंथ वाले बच्चे, गर्भ भी गलत दे रहा आंसर, उज्ज्वल भी गलत दे रहा है। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, ये एनए माइनस वाला? यस सर, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी सुधार रहा हूँ, एक मिनट रुकेंगे बस। ये क्वेश्चन मैं ना खुद यहीं पे सामने ही बना रहा हूँ अभी, बिल्कुल क्वेश्चंस, ताकि तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर किया ढंग से, ये क्या नाम है वेदांत, इसी टाइप के क्वेश्चन थे उसमें कि इजी थे काफी? नहीं सर, इसी टाइप के थे। हाँ इसी टाइप के, मैं सेम, क्या पता एक आध सेम भी हो गया हो, ये भी हो सकता है, कोई सेम हुआ है क्या? यस सर, मैंने शायद आपने पोटेशियम प्लस से पोटेशियम नेगेटिव वाला बताया हुआ है। अच्छा चलो, वो तो एक ही बात है। देखो इधर Na, देख गर्भ, Na से Na प्लस बनाना है अगर तेरे को, तो एनर्जी क्या होगी बता? सर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक है ये? यस सर। और Na से मान ले तेरे को Na माइनस बनाना है, सर एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, रिलीज होगी, S1 में इलेक्ट्रॉन जाते नहीं क्या? सर सॉरी सर, एंडोथर्मिक होगा, सॉरी एक्सोथर्मिक। ये इसमें तो, ये तो एक्सोथर्मिक होगा ना? यस सर। अब वो कर लेगा कि बताऊं उसको भी? अब यस सर, भी उल्टा था गर्भ, ये सोचना आना चाहिए गर्भ, ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट ईयर भी किया हुआ इस टाइप के क्वेश्चन किए ना लास्ट ईयर भी? नहीं सर, क्यों पीरियडिक प्रैक्टिस अटेंड कराया था ना मैंने 10th क्लास जब तू 9th में था सर, वो हुआ नहीं था पूरा, हुआ नहीं, चलो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट ध्यान देंगे अब नियॉन, ये कौन जाएगा नियॉन प्लस XC प्लस गिव्स XC प्लस नियॉन, ये भी किया हुआ है वेदांत? ये से इस टाइप का था शायद। हां चलो, क्या आंसर आएगा इसका, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? सर ये प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। हां एंडोथर्मिक है, रीजन नियॉन से नियॉन प्लस बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो नियॉन से नियॉन प्लस बनाया, तुमने एनर्जी दी 500 किलो जूल, 500 किलो जूल एनर्जी दी, अब एक्सी प्लस से एक्सी बनेगा जब, या एक्सी से एक्सी प्लस बनता अगर, तो एनर्जी नेचुरल सी बात है कम देनी पड़ेगी, इसमें देनी पड़ेगी 200। कम क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ेनॉन बड़ा है तो रिलीज भी कम होगी, एक्सी प्लस से जब एक्सी बनाओगे तो रिलीज भी कितनी हुई 200, दी 500 निकली 200, तो नेट तो 300 चाहिए होगी ना? नहीं समझाई बात? समझ आया कि नहीं है गर्व? यस सर। क्लियर हुआ क्वेश्चन नहीं है? यस सर। अच्छा किस किस बच्चे का सही था ये क्वेश्चन?
उज्जवल, उज्जवल गुप्ता, वेदांत, कनिष्क, निवृत्ति, छवि, छह सात बच्चों को सही है। फिर तुम लोग प्रैक्टिस करो ढंग से। अभी लास्ट क्वेश्चन, बी माइनस प्लस बी गिव्स बी माइनस प्लस इलेक्ट्रो प्लस बी, ये क्या होगा? सर एक्सो, एक्सो होगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से भी सोच सकते हो, कैसे भी सोच लो तुम उसको। बी माइनस तो अनस्टेबल है, पता नहीं है, बी माइनस तो बनता ही नहीं क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। बेरिलियम क्या है? S2 कंफिगरेशन। अनस्टेबल था ये, अनस्टेबल क्या बना इससे स्टेबल, तो इसलिए स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जाती ही है। और बी से बी माइनस बन सकता है, पी वन से बनता ना, ये बी से बी माइनस बनता ही है, तो रिएक्शन क्या होगी? ये एक्सो, जैसे मैंने ये दिया तुम्हें सपोज लिथियम प्लस बी माइनस गिव्स लिथियम माइनस प्लस बी, बताओ ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? ये रिएक्शन लिथियम प्लस बी माइनस गिव्स सर एंडो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस सर, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? वेदांत? नो सर, क्लियर है। वेदांत देखे सर, लिथियम से लिथियम माइनस जल्दी बनेगा कि बेरिलियम बोरॉन माइनस, लिथियम से लिथियम माइनस बना तो एनर्जी रिलीज होगी? यस सर, मान लिया माइनस 80 रिलीज होगी, बेरिलियम बोरॉन माइनस से बोरॉन बना तो एनर्जी चाहिए होगी? यस सर, मान लिया 70 चाहिए तो नेट तो रिलीज होगी ना, कि बोरोन से बोरोन माइनस एक कम क्यों हुई 70? अभी मैंने बताया ना विषय, लिथियम बेरिलियम बोरोन, लिथियम की में S1 होता है, बोरोन में P1 होता है, कराया नहीं क्वेश्चंस के? S1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा P1 से, नहीं आ रहा है? यस सर, फिर ये भूल गए सारा, फिर ये कराया ना क्वेश्चंस वाले? यस सर करवाए। क्या आएगा, एक्सो आएगा एंडो आएगा? एक्सोथर्मिक, इसलिए जो बेसिक वीडियोस हैं मैंने 7 भेजे हैं, मैं 7 आज या कल में और भेजूंगा दोबारा। बेसिक वीडियोस को जरूर पढ़ के रखना ताकि क्वेश्चन के आंसर करना सीखो, और उनको ही मानना कि उन्हीं से आएगा पेपर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अभी जो कराऊंगा क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा उसके, तो इसलिए उसको जरूर पढ़ के रखना, बिल्कुल भी मिस मत करना इस चैप्टर को, केमिकल बॉन्डिंग। सही ना, जिन बच्चों ने मोल कंसेप्ट नहीं किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं किया, उसके भी डेली एक एक वीडियो करते रहो ताकि पीछे का वही कवर होता जाए। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, यहां तक पढ़ लेना पूरा चैप्टर। ओके थैंक्स सर। हाँ बोलो बोलो सर, मैं भी मोल कॉन्सेप्ट करूं? उज्जवल गुप्ता, हाँ 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 बिल्कुल कर ले तू भी, हाँ कर लियो सर, क्योंकि आगे तो चैप्टर उसी का ही, मेरे को मैसेज करियो पहले। और सर आज 7 लेक्चर सर खत्म करने हैं ना? हाँ खत्म करने हैं, वो जल्दी 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 खत्म करो उसको, और याद करके रखना ताकि यहाँ क्लास में अच्छे से समझ आए, तभी पास हो पाएगा कोर्स, नहीं तो कोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ मुकुल बोल जल्दी। सर मैसेज किया था मैंने, उसको सीन पर रिप्लाई नहीं दिया। अरे डालू घी तेल लगा ले सर, वो माइक कौन सा? आदित को, आदित को ना। हाँ सर, मैं आदित का नंबर भेजता हूँ थोड़ी देर में, अभी देखता हूँ मेरा नंबर मिलता है मैं भेजता हूँ एक बार। सही है मुकुल? क्या सर? मैं आदित्य का नंबर भेज दूं तेरे को? नहीं मैंने उसे मैसेज कर दिया, उसने सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। पर सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहा है ना? मैं बात करता हूँ, मैं भी बात करता हूँ। हाँ सर ठीक है, भी कर दे एक बार। हाँ कॉल भी कर दी उसको एक बार। ठीक है सर, अभी फिर से कर दूंगा।